योगी सरकार ने बनाई डिजिटल मीडिया पॉलिसी। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सोशल मीडिया पर योजना प्रचार की जानकारी मिल रही है। इन्फ्लुएंसर्स को प्रति महीने 2 से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई है। सरकारी योजनाओं का सोशल मीडिया पर अब प्रचार होगा, इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सोशल मीडिया पर योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को प्रति महीने 2 से 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी की एक एक डिटेल आपके सामने रख दें। सोशल मीडिया पर योजनाओं के प्रचार को लेकर ये पॉलिसी तैयार की गई है। इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाएगा बकायदा, इसके लिए जो जानकारी मिल रही है फॉलोअर्स के हिसाब से चुनाव होगा इन्फ्लुएंसर्स का। इसके अलावा जो डिटेल्स सामने आ रही है, इन्फ्लुएंसर्स सरकार का प्रचार करेंगे, उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। सूचना विभाग में इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके अलावा अभद्र अश्लील कंटेंट पर एक्शन होगा, ये भी तय किया गया है। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर की 4 श्रेणी बनाई गई हैं डिजिटल मीडिया पॉलिसी के अनुसार। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को 2 से 5 लाख रुपए प्रति महीना देने का इसमें प्रावधान है। यूट्यूब शॉर्ट्स पॉडकास्ट के लिए 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने का प्रावधान है। तो योगी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है उसे और विस्तार से समझने के लिए रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगी पंकज झा का। पंकज, और क्या कुछ इस डिजिटल मीडिया पॉलिसी में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और क्या कुछ ऐलान किया जा रहा है? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से यूपी के मुख्यमंत्री। अभी हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और हार की समीक्षा में ये बात सामने आई कि सोशल मीडिया में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा और सरकार का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद ये सोशल मीडिया पॉलिसी आई, उससे पहले कई राज्यों के सोशल मीडिया पॉलिसी, खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सबका अध्ययन किया गया। उसके बाद ये तय हुआ है कि जो सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से, वो चाहे इंस्टा हो, यूट्यूब हो, जो एक्स है, या फिर रील्स बनाने की बात हो इंस्टा पर, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और उसमें कहा गया कि इन्फ्लुएंसर्स अपना सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फॉलोअर्स उनकी जो होंगी, उनकी जो रीच होगी, उस हिसाब से उनको हर महीने पैसा मिला करेगा। इसके लिए उन सबको अपने के रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसमें ये भी बात है कि अगर रजिस्टर कराने के बाद इन लोगों ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की या कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें हुई, राष्ट्र विरोधी कंटेंट हुआ, तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके से डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनाई गई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि खराब प्रदर्शन की वजह से क्या ये नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज झा आपका।